शनिवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 253 केंद्रों पर कुल 22,144 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 6,142 तथा दूसरा डोज लेने वालों में 16,002 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में शनिवार को 253 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें 22,144 लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों को और प्रभावी बनाया गया है तथा जन सहयोग के माध्यम से लोगों को कोरोना के टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसके लिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क के साथ 2 गज की दूरी का भी पालन करें, जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आज गोरखपुर में कोविड टीकाकरण में पहली खुराक 6,142 लगी है, द्वितीय खुराक 16,002 लोगों को लगी है। इस प्रकार कुल 22,144 लोगों को टीकाकृत किया गया है और आज गोरखपुर में कुल 253 बूथ पर वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न हुआ है। आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें, जिससे कि वो लोग कोविड से सुरक्षित रह सकें। अब यह सर्वमान्य प्रमाणित हो चुका है कि जो लोग कोविड की वैक्सीन लगवा चुके हैं, कोविड संक्रमण होने पर उनको दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ता है और अगर कोविड का संक्रमण होता भी है तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। अतः मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके कोविड का टीका सभी लोग लगवा लें। धन्यवाद।